नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। इसके बाद राजस्थान की राजनीति में गर्माहट शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से 10 सवाल पूछ डाले हैं। इसमें भ्रष्टाचार, महिला अपराध और युवा बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता सहित नौकरियों के वादों को लेकर सवाल पूछे गए हैं। जन्माष्टमी के मौके पर आज पूरा देश कृष्ण जन्म के रंग में रंगा हुआ है। देश में हर कोने पे जहां रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो राजस्थान की राजनीति जयपुर के राधा दामोदर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म दोपहर 12 बजे ही हो जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जोधपुर दौरे के दौरान बारिश के चलते सड़कों पर बने गड्ढों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जनता मुख्यमंत्री को जोधपुर के हालात को लेकर चलती गाड़ी में सवाल पूछ रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जांच की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम के दौरे की जानकारी होने के बाद भी प्रशासन द्वारा सड़कों की मरम्मत नहीं करवाने पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हवामहल विधानसभा से विधायक बालमुकुंद आचार्य जयपुर आराध्य गोविंद देव जी के दर्शन करने पहुंचे। वहां उन्होंने नगरी मीडिया से बातचीत के दौरान काशी विश्वनाथ को अपने स्थान पर पुनः विराजमान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान पुनः अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो, जैसे भगवान राम अयोध्या में विराजमान हुए, तो वैसे ही काशी विश्वनाथ जी भी अपने पुनः स्थान पर विराजमान होने चाहिए। राजस्थान में एक बार फिर से भारी बारिश की परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना डीप डिप्रेशन आज धीरे धीरे पश्चिम की ओर आगे बढ़कर दक्षिण राजस्थान व आसपास के क्षेत्रों के ऊपर पहुंच गया है। इसके अगले 2-3 दिन में दक्षिण राजस्थान व आसपास के गुजरात क्षेत्र से होते हुए कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से उदयपुर जोधपुर संभाग के दक्षिणी भाग में भारी से अति भारी व कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस का विरोध करना शुरू कर दिया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पेंशन को लेकर शुरू की गई नई व्यवस्था यूपीएस के पुरजोर विरोध की रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही यूपीएस में कर्मचारियों को होने वाले नुकसान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में महासंघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 1 के अभ्यर्थियों ने अनोखे तरीके से बीकानेर निदेशालय के सामने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने पूर्ण प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिर्फ 212 अभ्यर्थियों की सूची भेजी है। अभ्यर्थी पूर्ण सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि 1400 से 1500 अभ्यर्थी हैं। वेटिंग लिस्ट का डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजना है। अभ्यर्थियों का निदेशालय के आगे 4 दिन से धरना जारी। आज आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक रखी गई है। इस बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। बता दें कि बैठक दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर की गई है। यह बैठक मनीष सिसोदिया के घर पर की गई। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर चर्चा तेज हो रही है। सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध तेज होने लगा है। दिल्ली DSGMC ने इसके ट्रेलर के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की है। DSGMC के महासचिव जगदीप सिंह ने कहा कि इमरजेंसी के ट्रेलर में सिक्कों की छवि खराब की गई है, इसके ट्रेलर के प्रसारण पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। सेंसर बोर्ड से फिल्म की रिलीज रोकने पर भी मांग की गई है। कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन तुगुपति की जेल में सिगरेट पीते तस्वीर वायरल होने के बाद कर्नाटक सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। गृह मंत्री परमेश्वर ने मामले में 7 जेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही केंद्रीय जेल के अधीक्षक का तबादला किया गया है। रेणुका स्वामी हत्याकांड के मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे कन्नड़ अभिनेता दर्शन तुगुपति की परपाना सेंट्रल जेल में अंदर सिगरेट पीते फोटो वायरल हो रही है। इस वायरल तस्वीर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर।